So we need to determine the position, velocity, acceleration and energy of a particle undergoing SHM after time t is equal to t by 6. Agar t is equal to 0 pe particle mean position se pass ho raha hai. To agar main SHM ki situation banau, to t is equal to 0 pe particle mean position se pass ho raha hai. मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर जा रहा है पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर. ऐसे में हम इस पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन इज सिंपली a sin ओमेगा t, क्योंकि फाइ 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे x आपका 0 है, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t आपको दे रखा है. और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है t by 6, which is equal to 2 pi by 6 omega या pi by 3 omega. तो x दे रखा है a sin omega t और time दे रखा है pi by 3 omega. Therefore, x at time t is equal to a sin omega t की value कितनी दे रखी है? Pi by 3 omega. तो ओमेगा से ओमेगा चला गया, साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री कितना हो गया? रूट 3 ए बाय 2, ये आपका पोजीशन हो गया. अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी के लिए सीधे इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल गेट दिस इज इक्वल टू ओमेगा ए बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू v मैक्स बाय. तो आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ है, पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले रूट 3 बाय 2 टाइम्स है. अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स व्हिच इज इक्वल टू माइनस, अगर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो रूट 3 बाय 2 ओमेगा स्क्वायर ए. और ओमेगा स्क्वायर ए क्या होता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन. सो इट इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करें तो रूट 3 बाय 2 टाइम्स एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू. सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा मैंने यहाँ पे, इसलिए माइनस साइन हटा दिया. अब बात करी जा रही है, अब करनी हमें एनर्जी के बारे में. तो एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, एनर्जी की क्या वैल्यू यहाँ पे? तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स कितना है? एक्स है रूट 3 ए बाय 2, इसलिए आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स का स्क्वायर रूट 3 ए बाय 2 का स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बाय 4. सो दिस इज इक्वल टू 3 बाय 4 टाइम्स हाफ के ए स्क्वायर. और ये हाफ के ए स्क्वायर कितना होता है? टोटल एनर्जी. इसलिए हम कह सकते हैं U इज इक्वल टू 3 बाय 4 टाइम्स टोटल एनर्जी E. और आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ई माइनस यू विच इज इक्वल टू 1/4 ई. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/4 ई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 3/4 ई. हम कह सकते हैं यू बाय के की वैल्यू कितनी है? 3 है. तो ये सारी चीजें हमने निकाल ली, पोजिशन निकाल लिया, वेलॉसिटी निकाल लिया, एक्सेलेशन निकाल लिया और एनर्जी भी निकाल लिया, उनका रेशियो भी निकाल लिया, सब कुछ हमने निकाल लिया यहाँ पे. अगर आपका टाइम हुआ है t by 6 आफ्टर पासिंग द मीन पोजीशन, तो ये आपके आंसर्स हैं.